हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ डीसी पाड़ेकर, एंड इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस बुक फॉर सीएसआई नेट फिजिकल साइंस टारगेट जून 2022। सो सब लोगों को पता है कि सीएसआई नेट फिजिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो टोटली बेस्ड आपके कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पे बेसिक आता है अभी। दैट्स व्हाई रेफरेंस बुक जो है, ये रेफरेंस बुक आपको रेफर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से रेफरेंस बुक जो है वो आपको यूज करना है, सो दैट आप जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को टैकल कर सके। टोटल 9 सब्जेक्ट हमारे पास है, सब लोगों को पता है। तो उस 9 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर कौन सा बुक आपको रेफर करना है, उसके बारे में डिस्कशन जो है डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सा रेफरेंस बुक जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट आपका है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कौन सा रेफरेंस बुक जो है आपको फॉलो करना होगा। मैंने ये जो रेफरेंस बुक्स जो है, ये रेफरेंस बुक्स मैंने आपको यहाँ पे जो बताया उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन पेपर फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला बुक जो है दिस इज द डेविड जे ग्रिफिथ्स। तो डेविड जे ग्रिफिथ्स ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए बढ़िया बुक है। ठीक है, एंड देन जेटली। सो दीज आर द टू बुक्स। इनिशियली आपको ये जो दो बुक्स है, ये दो बुक्स आपको फॉलो करना है, दैट इज ग्रिफिथ्स एंड जेटली। ठीक है, अगर ये जो दो बुक है, अगर किसी ने ये दो बुक अगर पढ़े हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं जेजे सपूर है, बट नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। ये दो बुक्स अगर आपने अच्छे से फॉलो किए, इनके अनसॉल्व प्रॉब्लम है, अनसॉल्व प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व किए, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप जेजे सपूर है जो है वो भी बुक फॉलो करें। वो बुक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दो बुक है, ये दो बुक काफी है फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए डेविड जे ग्रिफिथ्स एंड जेटली, These are the two books. These two books are enough. तो इसको अच्छे से स्टडी करें। इफ अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है, डाउट है, तो आप अपने पर्टिकुलर टीचर से पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो दिस टू बुक्स फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। देन नेक्स्ट आप चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक है, बिकॉज पार्ट सी में आप देख सकते हैं कि ईएम थ्योरी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आपको पार्ट सी में मिलेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अभी जो सीएसआई हुआ है उसमें एज इट इज क्वेश्चन जो है, ये एज इट इज क्वेश्चन आपको ग्रिफिथ से जो है वो आपको मिला है। ठीक है, सो फॉर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको दो बुक फॉलो करना है, एक है डेविड जैक्सन एंड दूसरा है डेविड जे ग्रिफिथ्स। तो ये जो है दो बुक्स है, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छे बुक है। इफ यू फॉलो, जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा इनके लैंग्वेज है, इनका जो सिस्टमैटिक वे में जो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत ही बढ़िया बुक है जैक्सन एंड दिस जे डेविड जे ग्रिफिथ्स। सो दिस आर द वेरी 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 इंटरेस्टिंग बुक। जैक्सन तो बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया बुक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये दोनों बुक अगर आपने फॉलो नहीं किए तो फर्स्टली फॉलो डेविड जे ग्रिफिथ्स एंड देन फॉलो जैक्सन। ठीक है, एंड इनके आंसर प्रॉब्लम जो है, आंसर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करिए, बिकॉज CSIR में इनमें जो आंसर प्रॉब्लम होते हैं उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आपको CSIR में मिलेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये जो दो बुक है, जैक्सन एंड ग्रिफिथ्स, ये जो दो बुक है ये आपको यहाँ पे फॉलो करना है फॉर द ईएम थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बुक है, पहला बुक है आर के पात्रिया। ये जो बुक है, ये बुक आप यूज जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स। तो ये जो है, ये भी आप बुक जो है ये बुक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द टू बुक्स फॉर द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। बट मोस्ट प्रोबेबली आप जो है इस पे फोकस करिए एंड देन सेकंड इस पे फोकस करिए, बट फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द पात्रिया बुक। ये जो बुक है ये भी बहुत ही अच्छा बुक है, एंड गोल्ड एंड तोबोशनिक भी एक बुक है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप पात्रिया फॉलो कर रहे तो गोल्ड एंड तपस्नी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये एक बुक आपके लिए इनफ है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपके क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स आपको ये फंसाने वाला सब्जेक्ट है। क्लासिकल मैकेनिक्स का कितना भी आप पढ़ो, ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप इसका कुछ भी पढ़ो बट सीएसआईआर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन अलग ही लेवल के आते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड बुक। तो ये जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा गोल्डस्टीन। ठीक है, अगर एक ही बुक फॉलो किया ना आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, यही काफी है,
गोल्डस्टीन इज द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक फॉर द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो गोल्डस्टीन बुक है, ये गोल्डस्टीन बुक आप फॉलो करिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इसको ही फॉलो करिए। अगर इस बुक को किसी ने रेफर किया है तो फिर आप ये जो लैंडा बुक है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। ये जो है ये भी बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए गोल्डस्टीन जो बुक है, ये गोल्डस्टीन बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो है ये था फॉर द क्लासिकल मैकेनिक्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट जो है ये है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से आपको थ्री क्वेश्चंस रहेंगे। कहां पे रहेंगे? पार्ट सी में रहेंगे। एंड ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको कितने मार्क्स देके जाएगा? 15 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस इज अ टिटल, ये बहुत फेमस बुक है, इसके बारे में सबको पता है। दिस इज अ वेरी फेमस बुक। एंड अशरफ एंड मर्मी, ये भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। बट इनिशियली आप जो है पहला इसको रेफरेंस दीजिए, पहले कीटल जो कीटल को पढ़िए, एंड देन अशरफ मर्मिन जो है इनको पढ़िए। बट पहले आपको क्या फॉलो करना है? कीटल। दिस इज वेरी नाइस बुक एक्चुअली, ठीक है। जब हम एमएससी में थे तो हमने एमएससी में भी यही बुक्स फॉलो किए। सो दिस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड आप एमएससी में हो तो आपने भी एमएससी में ये सारी बुक्स जो है ये डेफिनेटली फॉलो किया होगा, ठीक है। बिकॉज एमएससी में कुछ ऐसे सिलेबस होता नहीं है, तो यू हैव टू यूज और यू हैव टू रेफर द रेफरेंस बुक। That's why, हर एक यूनिवर्सिटी में हो तो यही बुक आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। आपने फॉलो भी किया होगा, फिर भी ये जो बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग इसके साथ फैमिलियर होंगे, सबको एक बुक है, इनके बारे में जानकारी भी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन मैथमेटिकल फिजिक्स। सो मैथमेटिकल फिजिक्स में दीज आर द टू बुक्स, माय फेवरेट बुक, दैट इज द अर्कन एंड वेबर, माय मोस्ट फेवरेट बुक, अर्कन एंड वेबर फॉर द मैथमेटिकल बेसिस फॉर फिजिक्स। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, दिस बुक इज वेरी नाइस। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो इसके प्यार में पढ़ोगे, इतना मस्त बुक है। एंड फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ब्राउन एंड चर्चिल, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आप ब्राउन एंड चर्चिल जो ये बुक फॉलो करिए। ये जो बुक है ये जिनको बेसिक पता नहीं है, तो बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन फॉलो दिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ब्राउन एंड चर्चिल। ये जो बुक है ये बहुत ही बढ़िया बुक है, दोनों बुक जो है ये बहुत बढ़िया बुक है। आर्कन वेबर तो ये माइंड ब्लोइंग बुक है, आप एक बार इसको पढ़ के देखिए, वेरी नाइस बुक, एक्चुअली वेरी नाइस बुक। एंड इसमें कंसेप्ट जो है वो भी बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, देखिए ये भी पार्ट सी का मामला है, ये भी पार्ट सी का मामला है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, अगर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए आपको पढ़ना है ना, तो सिर्फ एंड सिर्फ अरुण दास, यही बुक फॉलो करो। मैं तो बोलूंगा कि इस बुक को फॉलो भी मत करो, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को फॉलो ही मत करो। आप बोलोगे सर अगर फॉलो ही नहीं करना तो दिया क्यों है? जस्ट वेट, ये जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, अरुण दास जो है, ये अरुण दास में आपको कंसेप्ट भी मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम कम है, बट अगर आप ये बुक फॉलो करोगे रॉबर्ट स्मिथ, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है इसमें से प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, प्रॉब्लम यहां से सॉल्व करिए। एंड थ्योरी के लिए अरुण दास जो बुक है उस बुक को फॉलो करिए। बट थ्योरी जो है इस बुक से थ्योरी ना पढ़े, बिकॉज यहाँ पे इसमें बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। थ्योरी आपको पढ़ना है यहां से अरुण दास से थ्योरी पढ़ो, प्रॉब्लम आप यहां से सॉल्व करिए। थ्योरी दोनों में ही सेम है, ऐसे नहीं कि इसमें थ्योरी अलग है इसमें थ्योरी अलग है, बट यहाँ पे जो लैंग्वेज थोड़ी ईजी है, हमारे समझ में आएगी ऐसे लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो दीज आर द टू बुक्स, बट इनिशियली गो विद दिस अरुण दास बुक है, इससे ही पढ़ो, सीएसआर के क्वेश्चन इससे ही आएंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप ये दो बुक्स जो है ये फॉलो कर सकते हैं, मालवीनो, ये तो सबको ही पता होगा, बिकॉज एमएससी में ज्यादातर यही बुक सब लोग फॉलो करते हैं, हम लोग भी यही फॉलो करते थे, आप लोगों ने भी यही फॉलो किया होगा एमएससी में। तो ये जो बुक है ये बुक आप फॉलो करें। एंड जेबी गुप्ता, ये भी एक बढ़िया बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट इनिशियली गो विद दिस, दैट मींस मालवीनो जो बुक है इसके थ्रू आप जाइए, बिकॉज इसमें सारे कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मालवीनो जो बुक है, पहले मालवीनो बुक जो है उसको आप रेफर करिए, एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो ये जो जेबी गुप्ता ये बुक जो आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। एंड देन लास्ट वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये भी क्या है,
ये भी आपको कहां पे मिलेंगे, पार्ट सी में मिलेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये भी आपको कहां पे मिलेंगे, पार्ट सी में मिलेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए ये जो है क्रेन, दिस बुक इज वेरी नाइस। आपने एमएससी में भी आपके टीचर जो टीचर्स ने आपको भी बोला होगा कि क्रेन जो बुक है वो आप फॉलो करिए फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए ये बुक बढ़िया बुक है, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं नहीं है, आपको यही बुक फॉलो करना है, डोंट सी एनी बुक, ठीक है। एंड अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस अगर करना है तो ये वाला जो बुक है इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द रेफरेंस बुक, ये जो रेफरेंस बुक है आप इस रेफरेंस बुक के थ्रू जाइए, इनके न्यूमेरिकल से सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उसको आप देखिए। बिकॉज ये जो बुक्स है ये बुक्स आपको अभी अपकमिंग सीएसआर जो होने वाला है उसमें आपको इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो फॉलो दिस बुक्स, ठीक है, ये जो बुक्स है आपको फॉलो करना है। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रहार बैच है हमारा वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अनएकेडमी में आज ही पहला लेक्चर था, इसमें हम राहुल सर पढ़ाएंगे, पाड़ेकर सर पढ़ाएंगे, प्रीति सर पढ़ाएंगे एंड नीरज सर पढ़ाएंगे। तो ये जो बैच है ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज ही स्टार्ट हो चुका है। इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर है ये भी स्टार्ट हुआ है, एवरीडे क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर आपका 9 AM रहेगा। तो आप एनरोल कर सकते हैं इफ यू यूज माय कोड DMCP10। ये कोड जब आप यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट जो है ये 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो हरी अप गाइस, ये जो बैच है बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, स्टिल आप इसमें एनरोल कर सकते हो। जितने जल्दी आप एनरोल करोगे उतना जल्द उतना आपको लाइव क्लासेस जो लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। अगर लेट ज्वाइन किया तो पहले वाले लेक्चर्स आपको पेंडिंग रहेंगे। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी एंड इसमें अगर लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो आपको रिकॉर्ड सेशन में भी वो लेक्चर जो है वो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, अगर ये कोड जब यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग की कंप्लीट लाइव लेक्चर सीरीज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन दिस चैनल अनअकैडमी लाइव CSI UGC नेट। तो इसपे हम 3rd March से मतलब कल से, ठीक है, कल से इस चैनल पे 7:30 PM से हमारा कल लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें, एंड ये जो सीरीज है ये सीरीज 2 या 3 मंथ तक चलेगी। इसमें पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो डिस्कस करने वाले। सो सब लोग कल 3rd March को 7:30 ये जो चैनल है अनअकैडमी लाइव CSI UGC नेट इस चैनल पे होने वाला है। सो आप रिमाइंडर सेट करके रखिए कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ओके। सो दीज आर द रेफरेंस बुक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। So thank you so much all of you. Bye bye. Take care and happy learning.